नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज हरियाणा दौरा है। हरियाणा के पलवल जिले में करेगी जनसभा, पलवल जिले के बघौला गांव में आयोजित होगी जनसभा। तो लगातार बसपा प्रमुख मायावती चुनावी मंजर में काफी सक्रिय नजर आ रही है और आज पलवल जिले के बघौला में जनसभा करती हुई मायावती नजर आएंगी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज हरियाणा दौरा है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले मायावती का ये जनसभा और पलवल जिले के बघौला गांव में ये जनसभा आयोजित की गई है। जनता को संबोधित करती हुई नजर आएंगी मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार चुनावी मंजर में एक्टिव नजर आ रही है और आज हरियाणा के पलवल में हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बसपा पार्टी शून्य पे सिमट गई थी, उसके बाद से लगातार मायावती सक्रिय नजर आ रही है और आज पलवल में जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। वहीं करनाल के असंध में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। वहीं मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, बीरेंद्र सिंह भी एक साथ नजर आए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में डंकी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रोजगार नहीं है, मोदी काले कानून लाते हैं, जो आपके पास है वो छीन रहे। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, 25 अरबपतियों के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ हरियाणा की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, संविधान गरीब लोगों की रक्षा करता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने सुना दिया। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही, आंधी आ रही है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पर। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका। अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया, पहले आपको याद है वन रैंक वन पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं, मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो। अग्निवीर जानता है कि ये नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान का जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है और वो अदानी को दी गई है। ये अग्निवीर का मतलब। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो, आप पॉलिटिकल लोग हो, एक मिनट में आप देखोगे अग्निवीर उसका सही मतलब समझ जाओगे, एक सेकंड में पकड़ लोगे। ये है, इसीलिए सरकार बदलनी है और एक साथ मिलकर, सबको एक साथ मिलकर, 36 बरादरियों को एक साथ मिलकर 36 बरादरी की सरकार बनानी। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने छब विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं को कमजोर किया है, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किया, बीजेपी का नाम समाधान है। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे सुनिए। कश्मीर के लिए 1953 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था,
जिस जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने एक नारा दिया था पूरे देशवासियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारत माता का हर सच्चा सपूत, इसके लिए लड़ता रहा, कार्य करता रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 370 सदैव के लिए समाप्त कर दिया, 35A सदैव के लिए समाप्त कर दिया, आतंकवाद की नर्सरी समाप्त हो गई। अन्यथा ये कांग्रेस हो या PDP या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे। और वेयर हाउस से यहां का नौजवान, जिसकी ऊर्जा यहां के विकास में लगनी चाहिए थी, जिसकी प्रतिभा का लाभ देशवासियों को मिलना चाहिए था, उस पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तबाह करके रख दिया था। और भाइयों, क्या नहीं था हमारे जम्मू कश्मीर के पास, क्या नहीं था हमारे पास? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हम जब बात करते हैं तो सचमुच मुझे उन महान विभूतियों की याद आती है, महाराजा हरि सिंह जिन्होंने पहचान दिलाई थी। महाराजा हरि सिंह का शासन केवल यहीं तक नहीं था, और याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। काबुल तक का शासन महाराजा हरि सिंह के पास था, तिब्बत में डोगरा सेना रहा करती थी। कौन नहीं जानता है पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के प्रति किसके मन में सम्मान का भाव न हो। और जब कबालाई यहां घुस करके तब ब्रिगेडियर हरि सिंह ने, तब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट का नारा दिया, भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया। परंपरा जिसने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया था, जिन्होंने अपने बलिदान से, अपने मऊ से सींच करके इस धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को बनाया था, आज उसे मजहबी उन्माद का जो एक कोण है उसमें बदलने का पाप ये कांग्रेस, ये PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया है। ये पाप करने वाले लोग जब देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, देश के संसाधनों का उपभोग कर रहे थे, उनको सबक सिखाने का चुनाव है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव, और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, परिवर्तन किस रूप में होता है, याद करिए, करतार सिंह, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, गुरु नानक देव जी का कॉरिडोर बने, भारत की सिख परंपरा की गुरु परंपरा ने भारत के अंदर भक्ति से शक्ति की जिस यात्रा को आगे बढ़ाया था, गुरु नानक देव जी भक्ति के उस प्राकाष्ठा का नाम था, तो गुरु गोविंद सिंह जी इस भक्ति से पनपी भी शक्ति का एक तेज था। याद करिए, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कराया गया, और यही नहीं, बाल दिवस की बात जब देश के अंदर होती थी, बाल दिवस की बात जब होती थी, तो बहनों और भाइयों, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनवा दिया। मुझे बताओ, अरे बाल दिवस के रूप में नाम आना चाहिए ना उन लोगों का, गुरु गोविंद सिंह जी से, गुरु गोविंद सिंह जी के चार चार साहबजादों ने, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, भारत के लिए सुरक्षा के लिए, भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए गुलामी की बेड़ियों को तोड़।
वहीं बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को विपक्षी कांग्रेस पर हमला करते हुए उसे शहरी नक्सलियों का प्रवक्ता करार दिया है। नड्डा ने यह टिप्पणी भुवनेश्वर में भाजपा के सदस्यता अभियान के अवसर पर आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शहरी नक्सलियों की प्रवक्ता बन गई है और देश में विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा दे रही है। क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, सुनिए। कौन सी ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजी पर चली? महात्मा गांधी ने कह दिया कांग्रेस को डिसबैंड कर दो आफ्टर 1947, दिस वाज मेड ओनली टू ब्रिंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हैज कम सो वी शुड डिसबैंड कांग्रेस पार्टी। नहीं माने नेहरू जी, विचारधारा से अलग हट गए। कलेक्टिव फार्मिंग से लेकर कोऑपरेटिव फार्मिंग से लेकर के कहां कहां के कौन कौन से तरीके निजात करने की कोशिश की, नहीं सफल हुए। हमारे लेफ्टिस्ट साथी कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, किससे दोस्ती की किससे दुश्मनी की समझ में ही नहीं आया। आज केरल में वो आपस में नूरा कुश्ती करते हैं और दिल्ली में दोस्ती करते हैं, समझ में नहीं आता। फोटोग्राफी सेशन करते हैं, वेस्ट बंगाल में लड़ते हैं और दिल्ली में साथी बनकर के खड़े हो जाते हैं। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो ये तो अर्बन नेक्सलिज्म का स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, स्पोक्समैन बन गए हैं, डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस के एक तरीके से कहा जाए उनको आगे बढ़ाने का और उनको उनको प्रोत्साहन देने का और उनकी बात को आगे रखने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहां नेशनलिज्म रह गया? श्रीनगर में धारा 370 वापस लेंगे, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने भारतीय जनसंघ के नाम पर 1952 में कहा था एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे। एक लंबी यात्रा की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दे दिया। वी स्टार्टेड इन 1952-53 एंड इन 2019 अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द एबल स्किल्स ऑफ अमित शाह वी कुड सी इन द पार्लियामेंट ऑन 2019 6th ऑफ ऑगस्ट दैट आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड फ्रॉम दिस कंट्री। और जम्मू कश्मीर संवैधानिक दृष्टि से पूर्णतः भारत के संवैधानिक पार्ट का हिस्सा बना आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। नहीं तो जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, भारत का संविधान अलग। भारत के लगभग 200 कानून ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे। एससी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वाल्मीकि को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ मनमोहन सिंह, आए हुए मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री बनते हैं, वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए अडवाणी जी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में बसा हुआ वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ रेफ्यूजी कुड नॉट गिव हिज वोट इन विधानसभा। इट इज दिस टाइम दैट आफ्टर आर्टिकल 370 वो पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर अपना वोट डाल। कानपुर देहात की गद्दा फैक्ट्री में 6 मजदूरों की जलकर मौत के मामले में जहां एक तरफ सियासी पारा चढ़ता ही नजर आ रहा है तो वहीं फैक्ट्री मालिकों पर भी की गई कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बता दें कि अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार के द्वारा दर्ज कराई गई FIR के तहत फैक्ट्री मालिकों को सहूलियत देने जैसी स्थिति नजर आई। देखिए ये रिपोर्ट। मौत की भट्टी, सुलगती आग और आग में सुलगती जिंदगी और सुलगते सवाल। जी मामला हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है, क्योंकि 6 मजदूर जलकर खाक हो गए मगर जिंदगी की कीमत महज 12 लाख रुपए। जी मामला कानपुर का है, वही कानपुर जहां 21 सितंबर की सुबह अचानक आग एक गद्दा फैक्ट्री में लगती है और आग इतनी भयावक होती है कि उसकी लपटें 6 जिंदगियों को देखते ही देखते ली लेती है। मामला रिन्या औद्योगिक क्षेत्र में बनी RP गद्दा फैक्ट्री का बताया जा रहा है, मगर ये आग की लपटें कुछ घंटों के बाद ठंडी तो पड़ गई
मगर उस आग में सुलगती जिंदगियों का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। तीन मजदूरों ने दम तोड़ दिया, साथ ही रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन के दौरान आग के मलबे से तीन मजदूरों के जले हुए शव बरामद किए। हैरानी की बात यह है, इसमें दो नाबालिग बच्चे भी बरामद हुए, जिसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि क्या सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर ये अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। फैक्ट्री में नियमों को दरकिनार कर नाबालिग से काम करवाया जा रहा था, जहां चार मजदूरों के साथ दो बच्चों की मौत के आगोश में समा जाने का मामला सामने आता है। हैरानी की बात यह है कि भीषण अग्निकांड के बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारी कृष्ण कुमार ने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई, और अब उसी FIR पर सवाल भी खड़े हुए, क्योंकि जिन धाराओं में FIR दर्ज कराई गई, उसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, जबकि मामला इतना भयावक है कि कानून की सख्त धाराएं सजा की मियाद को बढ़ा सकती है, मगर क्या रियायत दी जा रही है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह का आरोप है कि मानकों को ताक पर रखकर जिस तरह से फैक्ट्री को चलाया जा रहा है, मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ मर्डर की धारा 105 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है, तो सवाल ये कि कौन दे रहा है संरक्षण। ये मामला बहुत गंभीर मामला था। एक तो इस स्तर से जहां मजदूर काम कर रहे थे और नाबालिग मजदूर काम कर रहे थे, दूसरे सुरक्षा के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि आसपास और भी फैक्ट्रियां हैं, इस तरह से जो ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे उनकी सुरक्षा के जो मानक थे उनको पूरा किया जाना चाहिए था। चूंकि उन मानकों को पूरा नहीं किया गया तो एक गंभीर अपराध बनता है, और जो प्रारंभिक स्तर पर जिस तरह से FIR हुई तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको इसमें बचाने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो जो धाराएं थी बहुत ही हल्की धाराएं थी, जिसमें 7 साल से नीचे के जो अपराध बनता था उससे नीचे के ऊपर सजा नहीं हो सकती थी, और इस स्तर पर उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती, जो धारा 35 BNSS जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके जो नियम है उसके तहत 7 साल के नीचे के मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। नियमों से खिलवाड़ कर और मजदूरों की जान को सस्ता समझने का खेल क्या यही खत्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि मजदूरों की मौत के बाद जब परिजनों को मुआवजा देने का वक्त आया तो मुआवजे का चेक बांटने कोई और नहीं बल्कि खुद कैबिनेट मंत्री जाते हैं। सही सुना आपने, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के हाथों मजदूरों के परिजनों को चेक दिए जाते हैं, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चेक सरकार दे रही है या फिर मंत्री जी मजदूरों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे वो फैक्ट्री है जहां पर 6 मजदूरों की जलकर मौत हो गई थी, और ये गद्दा फैक्ट्री है, इसे अगर हम मौत की भट्टी भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस फैक्ट्री में प्लास्टिक दाने को गलाया जाता था और गलाने के बाद प्लास्टिक सीट बनाकर गद्दे बनाए जाते थे, और इसमें अत्यधिक ज्वलनशील LPG गैस का इस्तेमाल किया जाता था जो कहीं ना कहीं घातक भी साबित हो सकता था, और सुरक्षा के मानक को देखते हुए यहाँ किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था और NOC नहीं थी। अगर NOC नहीं थी, फायर की इतनी बड़ी कमी यहाँ देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं इसे मौत की भट्टी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। वहीं UP के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज मैनपुरी पहुंचे थे, जहां DC के साथ मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। ग्राम सिमरई पहुंचकर उप मुख्यमंत्री ने पोषण अभियान के तहत बच्चियों को अन्नप्राशन कराया, तो वहीं महिला सहायता समूह की लखपति दीदी से मुलाकात करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंपे। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव के बयान की 10 सीटों पर हार के डर से BJP ट्रांसफर करवा रही है, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश को 2 टूक जवाब भी दिया। क्या कुछ कहा सुन। आप सब लोगों से इतना निवेदन करूंगा, जैसे गांव में पीने का पानी मिल गया, सड़क आपके गांव की बनी ही है, बिजली आ ही रही है, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा पहले से अच्छी हो गई है कि नहीं हो गई है? पहले से अच्छी हो गई है। आपको बच्चों का ड्रेस पहना बनाना ना पड़े, जूते मोजे ना खरीदना पड़े, इसके लिए एक बच्चे के लिए 1200 रुपया खाते में आता है कि नहीं आता है? अब कई लोग वो पैसा भी खर्चा कर डालते हैं। वो पैसा खर्चा नहीं करना है, वो बच्चे के लिए केवल इसलिए आपके खाते में भेजा जाता है कि कोई बीच में गड़बड़ी ना करे।
तो बच्चों को अच्छा बढ़िया जैसे कॉन्वेंट स्कूल में लोग पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, वैसे आज प्राथमिक स्कूल हो चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, वहां पर भी आप अपने बच्चों को भेजिए। देखिए, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सरकार स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के लिए काम करती है, शिक्षित भारत के लिए काम करती है, विकसित भारत के लिए काम करती है। आप सबको मैं आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि अभी करहल की विधानसभा के जो आपके विधायक थे, यहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, वो कन्नौज से सांसद बन गए। मालूम है कि नहीं आप लोग? नहीं मालूम? अखिलेश यादव जी को जानते हैं कि नहीं आप लोग? पहले विधायक थे, अब सांसद बन गए, और यहां पे एक उपचुनाव फिर आ गया। अब उपचुनाव कब होगा ये तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन मैं आज सबसे यह निवेदन करूंगा, आप बताओ गुंडागर्दी कोई चाहता है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, चाहता है क्या? जमीनों पर कोई माफिया आकर के कब्जा कर ले कोई चाहता है क्या? हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ करे कोई चाहता है क्या? बुजुर्गों का कोई अपमान करे कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। और समाजवादी पार्टी का मतलब है, या सारे अवगुणों से पूर्ण अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।